नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 4 पुलिस चौकी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल की सेक्टर 4 पुलिस चौकी की पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वो सफलता ये है कि जो सामने आप एक मुजरिम देख रहे हैं वो नशेड़ी है, स्मैकर है, और किस तरीके से जिन लोगों के घर अभी बन रहे होते हैं, इनके निर्माणधीन घर होते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर होते हैं, उनके घरों में से किस तरीके से बिजली की तारों को ये इस तरीके के जो नशेड़ी होते हैं वो चुरा लेते हैं। रात के समय में ये इस तरीके का काम करते हैं ताकि उन महंगी बिजली तारों को सस्ती कीमत पर बेच सके और अपने नशे का इंतजाम कर सके। लेकिन सेक्टर 4 पुलिस चौकी की गश्त में इस नशेड़ी को पकड़ा गया है। परसों रात बताया जा रहा है कि गश्त में इस नशेड़ी को पकड़ा गया है और इससे कुछ बरामद भी हुआ है या नहीं हुआ है वो भी जानेंगे, और किस घर में ये क्या चोरी कर कर लाया था उसके बारे में भी पूरी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सेक्टर 4 चौकी से चौकी इंचार्ज है हमारे साथ अनिल कुमार जी, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई हो कि एक अच्छी और एक बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है, वरना ना जाने कितने लोगों का, लाखों का नुकसान ये व्यक्ति करता। हाँ जी, ये करता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई, जो घर बना रहे हैं वो अपना चौकीदार रखें। चौकीदार रहना बहुत ज़रूरी है, क्यों ये समय क्या लोग हैं जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, खाना बदोश हैं, इनको वैसे तो हम भगाना चाहते हैं पर फिर ये कहते हैं गरीब आदमी है जी, इनको मत भगाओ। मीडिया भी कहती है मत भगाओ जी, इनको कहाँ जाएंगे, सर्दी है। पर जो सेक्टर में लोग रहते हैं ये कहते हैं, इनकी शिकायत करते हैं कि भाई आप इनको भगाओ जी यहाँ से। उड्डा भी आई थी पीछे, हमने खाली भी करवाई थी, फिर ये सेक्टर 16 से फिर ये चोरी करते हैं। ये जो भी दिन में घूमते हैं, रात को फिर उस घर झुग्गी झोपड़ी में, जब दिन में तो घूमते हैं, रात को फिर उस घर के अंदर घुस जाते हैं। क्या नाम है इसका, कहाँ से? संजीत है ये, संजीत है, इधर साईं बाबा मंदिर के पीछे है, वहाँ रहते हैं। क्या उम्र क्या इसकी? उम्र होगी इसकी 22-23 साल ना, और मुकदमा नहीं अभी। ये खाना बदोश, इसका एड्रेस तो बिहार का रहने वाला। ये कब पकड़ा गया था सर? ये परसों पकड़ा गया था, फुटबॉल ग्राउंड के पास, सेक्टर 5 के पास ही घूम रहा था। तो कुछ बरामद भी बरामद हुआ इससे? कोर्ट में पेश किया गया? हाँ, कोर्ट में पेश किया था, एक दिन का रिमांड लिया था इसका और बरामद कराया। क्या कुछ बरामद हुआ सर? तारें बरामद हुई इससे, अभी बिजली की तारें। क्या कुछ चोरी करते हैं ये लोग? ये बिजली की तारों को चोरी करके और उसको जला के और उसके अंदर से तांबा निकाल के और फिर उसको बेचते हैं। तो कितने का नुकसान हो जाता है? नुकसान का तो 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, और इनके भी 2-4 हज़ार रुपए का, 2,000 का, 4,000 के पीछे इतना नुकसान कर। नशे की हालत में करते हैं, नशे की में करते हैं। कोई और भी इसका साथी है? इसका एक साथी और है सोनू, वो मिला नहीं है, वो भी है झुग्गी झोपड़ी में रहता है, खाना बदोश है ये। तो चोरी कहाँ की थी सर, कोई आपको जानकारी मिली थी? हाँ, सेक्टर 5 में जानकारी मिली जी, पहले मुकदमा दर्ज। हाँ जी, निर्माणधीन था वो? हाँ जी, निर्माणधीन है जी। तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ भाई, अपने घर को खाली अकेला मत छोड़ के जाएं, चौकीदार जरूर रखें और पुलिस को सूचना दे। पुलिस तो क्या है, पुलिस तो आगे का गश्त करेगी, रात को घर के आगे जाएगी। पुलिस किसी के घर के अंदर तो घुसती नहीं, बाहर लोग लग रहा है, अंदर चोर बढ़ रहा है, तो पुलिस तो बाहर के चली जाएगी। पुलिस को थोड़ी पता है वह अंदर चोर है, या तो हमारे को कहे अगर जी हम जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए और आप हमारे घर के अंदर चेक भी कर लेना चाहिए बेशक। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना हूँ, आप अपने घर में जरूर हाजिर रहें या जाएं तो एक चौकीदार जरूर लगाएं। सर, ऐसी भी कोई जानकारी है कि इस व्यक्ति ने पहले भी चोरी की थी जिस घर से इसने अभी हाल ही में चोरी की है? ये पहले उस घर में घुसा था, पहले भी घुसा था। हाँ, पहले भी घुसा है। इसका एक साथी और है, वो अभी मिला नहीं है, मिलेगा जब। हाँ, फरार है, उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो मुकदमा सर इस पर पहले दर्ज था या दूसरे वाले पे जो सोनू? अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अननोन के खिलाफ है। बाई नेम तो मुकदमा है नहीं, वो तो पकड़ने के बाद ही पता चला। नशेड़ी है जो। तो लोगों से क्या अपील करेंगे सर? भाई अपील यही है जी, अपना घर में जो है वहाँ चौकीदार जरूर रखें। घर बन रही है, दुकानें बन, दुकान बन रही है, जो भी है अपना चौकीदार जरूर रखें। मेरी तो यही अपील है, जो सर्दी का टाइम आ गया, मैं कह रहा हूँ अभी मार्केट में भी कहा मैंने सारे को, भाई आप अपना चौकीदार रखे, दुकानों के आगे चौकीदार रखे, पुलिस चेक कर लेगी चौकीदार को और गश्त भी कर देगी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भाई, आप अपना जरूर चौकीदार रखे। अब सर्दी शुरू होगी, अब और ज़्यादा चोरियाँ बढ़ेंगी, अगर चौकीदार रहेंगे तो चोरी नहीं। सर इस तरीके का कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता इनको कुछ ही समय के लिए जेल भेजा जाता है, उसके बाद जब ये वापस आ जाते हैं तो फिर से इसी तरीके का काम करते हैं? क्योंकि नशे की लत है, नशे की लत इतनी जल्दी छूटती तो नहीं? छूटती नहीं, नशे की लत भी नहीं छूटती, और इसमें सजा कम है। सजा कम है, सजा कम है, 2-3 महीने की सजा, 2-3 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं, फिर से यही सब, फिर यही काम करना शुरू करते हैं, फिर से यही सब करने लग जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं संजीत है,
झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला है और किस तरीके से सेक्टर 4 पुलिस चौकी की जो पुलिस की टीम है परसों रात गश्त करी थी, यानी कि 9 तारीख को रात करनाल के सेक्टर 5 के एक ग्राउंड के आसपास से ही इस चोर को पकड़ा जाता है, इस नशेड़ी को पकड़ा जाता है, जिसने किस तरीके से सेक्टर 5 के एक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो तमाम तारें होती हैं, जो फिटिंग चल रही होती है, उस फिटिंग को लास्ट में जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो बोर्ड वगैरह लगाकर बिल्कुल फिक्स कर देता है, लेकिन उस बोर्ड लगाने से पहले किस तरीके से तारे सारी घर की खींच लेते हैं, जिससे अगले जो व्यक्ति है, अगले जो परिवार वाले हैं जिनका घर बन रहा होता है उनको लाखों का नुकसान जरूर हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब सीलिंग में से भी तारे खींच ली जाती है उसके बाद पूरी की पूरी सीलिंग भी लोगों को दोबारा करवानी पड़ जाती है, लेकिन इनके लिए सिर्फ 2 या 3 हज़ार में वो अपने नशे का जुगाड़ लगा पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए लाखों का नुकसान जरूर हो जाता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मेरी आप सभी लोगों से यही हाथ जोड़कर अपील रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो को इस वजह से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक एक अच्छा और एक बड़ा और एक बड़ी जानकारी और एक मैसेज जरूर पहुंच पाए कि जब भी आप कोई भी घर का निर्माण कर रहे हैं, आपका घर निर्माणधीन है, क्योंकि कुछ घरों को बनने में 6 महीने का समय लगता है, कुछ घरों को बनने का 1 साल का समय भी लगता है, दुकानों बनने में भी टाइम लगता है, तो उसमें किस तरीके से जो समय जो लग रहा है, या तो कोई परिवार वाला ही वहाँ पर रोज रात को सोए या फिर आप लोग चौकीदार वहाँ पर ज़रूर लगवाएं ताकि चौकीदार रोज़ वहाँ पर जाए और वहीं पर बैठे और निगरानी रखे कि इस तरीके से कोई भी नशेड़ी आदमी रात को ना आए और जो तारे हैं वो चोरी ना कर पाए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।